हाय दिस इज एनएच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश आज हम नेरेशन में कॉमन एरर के क्वेश्चन देखेंगे कॉमन एरर के क्वेश्चन जो है हमारे कॉन्सेप्ट बनाने में हमारी मदद करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है द न्यूज रिपोर्टर आस्क मी डैट वेयर द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस एंड हाउ मेनी पर्सन वर इंजर्ड तो इन सारी जो एक सेंटेंस के सारे पार्ट्स को हम एक करके पढ़ेंगे ओके और फिर उसके बाद जो भी नरेशन के रूल्स हैं जैसे नरेशन में हम पर्सन को चेंज करते हैं उसके बाद वर्ब को चेंज करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं टेंस के हिसाब से चेंजेस होते हैं और जो पांच तरह के सेंटेंसेज होते हैं हम उनको अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं तो ये सारे नियम हमारे दिमाग में होने चाहिए और हमें कॉन्शस रहना है पार्ट्स को लेके तो ये जैसे पहला पार्ट्स है ये पार्ट है द न्यूज़ रिपोर्टर आस्कड आस्ट जो लगाते हैं हम वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं पहला sentence finish, पहले sentence का पहला पार्ट दूसरा पार्ट है me, that, uh, where the accident had taken, तो यहां पे से से शुरू है, से शुरू है that means है डेट मीन्स कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हम डेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यहाँ डैट लगा हुआ है तो ये हमारा जो बी पार्ट है ये हमारा बी पार्ट में एरर है ओके सी में एरर नहीं है डी में एरर नहीं है बी में एरर है दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर मीट। तो ये हमारा ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट और ये डी पार्ट तो ए पार्ट में हम देखते हैं द टीचर सेड टू द स्टूडेंट तो यहाँ पे हम टोल्ड भी लगा सकते हैं सेड टू भी लगा सकते हैं ये प्रॉब्लम्स नहीं है ये एरर नहीं है अ वेजिटेरियन यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इज अ पर्सन यहाँ पे इज का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे सेड है यानी पास्ट टेंस है तब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यह यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है या प्रोवर्व तो नहीं है या इटरनल ट्रुथ तो नहीं है या आ, किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल हम रेगुलर हैबिट के लिए तो हमने नहीं किया है अगर ऐसा है आ, तो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं अदरवाइज हम टेंस को चेंज करते हैं तो यहाँ पे वेजिटेरियन यानी एक शाकाहारी जो है वो कभी मांस नहीं खाता है तो ये बिल्कुल ट्रूथ चीज है तो इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो यह सही है पर्सन हु नेट्स मीट नो एरर तो यहाँ पे ये नो no एरर होगा और ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि हम जो है एरर निकाल देते हैं ओके okay, तो दो नंबर में नो no एरर तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं द मैन हिज विश टू सी हिज नेटिव लैंड अगेन बट देयर अपियस नो स्कोप तो यहां पे द मैन एक्सप्रेस्ड यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं हिज विश टू सी यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है हमें नेटिव लैंड अगेन बट देयर यहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है क्योंकि सब जो है पास्ट टेंस में चल रहे हैं इसके हिसाब से ओके ये तो टू सी है इंफिनिटिव है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं नेटिव लैंड अगेन बट देहा अपियर का इस्तेमाल हुआ है जो प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे पास टेंस में रिपोर्टिंग वर्ग होगा उस कंडीशन में यह अपियर होना चाहिए क्योंकि यह यूनिवर्सल नहीं है तो हमारे जो एर है वो ए बी सी डी पार्ट में फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज डेट आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन संडे ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी और ई पार्ट है द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज सेज है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे टेंस में आगे के। ऑफिस यहाँ पे आवा का इस्तेमाल हुआ है विल रिमेन क्लोज विल है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे सेज है ऑन संडे टाइम है तो यहाँ पे एरर जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं हम जानते हैं कि जब द टाइम्स ऑफ इंडिया एडिट, एडिटर यानी किसी भी संस्था का अगर नाम हो तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव वह आवर नहीं इस्तेमाल करते हैं वह हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इट का इट्स का इस्तेमाल करेंगे तो इट्स ऑफिस यहाँ पे इट्स सही होगा तो एरर जो है हमारे बी पार्ट में है हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है कॉमन एरर का वो है हिम तो part, part, e no इस्तेमाल हुआ है तो कर्स्ट ब्रेड इनका जो इस्तेमाल विस्ड इनका इस्तेमाल जो हम करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस में, में, को हम में चेंज करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में तो शी कर्स्ट दैट्स स्टिल ओके हिम डैट गॉड हिम डैट इस्तेमाल होता है गॉड माइट ग्रांट हिम माइट में चेंज हुआ है ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ नो एरर तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो है गॉड माइट ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ यहाँ पे ब्लेस्ड किया जा रहा है प्रेड किया जा रहा है तो इस कंडीशन में यहाँ पे कर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए तो हमारा पार्ट ए जो है वो गलत है इसमें एरर है सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं यानी बहुत ज्यादा खर्च करना बहुत पैसा खर्च करना लेविशली तो ही टोल्ड एस टोल्ड के पास टू नहीं लगता है तो यहाँ पे टू नहीं है बिल्कुल ये पार्ट सही है टू not, टू not का इस्तेमाल जो है आ, हम इम्परेटिव सेंटेंस में करते हैं लेकिन टू नॉट इस्तेमाल नहीं करते हैं नॉट टू इस्तेमाल करते हैं हम तीन तरह से नॉट वाले एम्परेटिव सेंटेंस में डू नॉट वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं पहला जो तरीका होता है वो हम नॉट टू कर देते हैं और वर्ब रहने देते हैं तो नॉट टू स्पेंड दूसरा जो तरीका होता है उसमें हम फोरबिड लगाते हैं और टू uh, वर्ब रहने देते हैं तीसरा जो होता है उसमें हम प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड और उसके साथ ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब का फॉर्म के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ टू नॉट जो गलत है नॉट टू होना चाहिए बाकी सारे पार्ट जो है वो सही है तो यहाँ बी पार्ट में एरर है सेवन नंबर क्वेश्चन में देखते हैं वन ऑफ द सेक्रेटरी मैन रस्ड दौड़ता हुआ आया फॉरवर्ड दौड़ता हुआ आगे आया या तेजी से आगे आया एंड आस्क्ड मी मुझसे पूछा डेट इफ आई हैड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बी जो पार्ट है रस्ट एंड आस्क्ड कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों टेंस एक हैं मी डैट इफ इफ का भी इस्तेमाल है डैट का भी इस्तेमाल अगर इफ का इस्तेमाल होता है तो इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो no क्वेश्चन uh, में इस्तेमाल होते हैं तब डैट का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे आस्ट है ये बताता है कि ये इफ uh, वाला सेंटेंस यस नो फैमिली का है तो यहाँ पे डैट uh, गलत है तो यहाँ पे बी सी में एरर है एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं ही वॉज कन्विंस्ड That he lost the account because of bad luck. Bad luck A, B, C ये D part हुआ हमारा ये हमारा E part हुआ. तो यहाँ पे he was convinced it's okay ये past tense में है that uh, no problem he lost the account. Lost जो है ये आपका सिंपल uh, प्रेजेंट में है यानी वर्ब का पहला फॉर्म है तो यहाँ पहला फॉर्म कन्विंस्ट के हिसाब से नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं है तो इस कंडीशन में यहाँ पे लॉस्ट होना चाहिए तो हमारा पार्ट सी जो है वो एरर को कंटेन कर रहा है हमारे पास नाइन्थ जो क्वेश्चन है आई एडवाइस टू हिम टू डू हिज वर्क प्रोपरली यहाँ पे पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट चौथा पार्ट चौथा पार्ट नो एरर यानी तो यहाँ पे आई एडवाइस टू बाद टू का इस्तेमाल हुआ है बहुत से रिपोर्टिंग वर्ब जो हैं जब चेंज होते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब जब ऐसे डायरेक्ट स्पीच में भी होते हैं तो टू को नहीं लेते हैं जैसे टेल टू को नहीं लेता रिक्वेस्ट नहीं लेता इंक्वायर जो है वो टू को नहीं लेता लेकिन इंक्वायर टू की जगह ऑफ को लेता है अगर ऑब्जेक्ट हो उस कंडीशन में नहीं होगा ऑब्जेक्ट तो सिर्फ इंक्वायर रहेगा आस्क जो है वो भी टू टू को, को नहीं लेता तो ये पार्ट जो है ये पार्ट में एरर है तो ये पार्ट आपका एरर है टेन नंबर मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क नो no एरर तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मदर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है यानी डायरेक्ट स्पीच है तो मदर इट्स ओके सन कॉमा यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है okay. ओके और ये यू से शुरू हो रहा है जब क्वेश्चन मार्क्स होगा तो ये हैप से शुरू होगा ओके okay, क्योंकि यहाँ पे आस्क क्वेश्चन के सेंस में है तो हमारा जो एरर है ए पार्ट में नहीं है बी में नहीं है हमारा सी पार्ट में है मैं होप करता हूं ये कॉमन एरर जो है काफी आ, मदद करेगी आपको और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो